नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम प्ले करेंगे नागपुरी का बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग, जैसा कि आप सभी ने इस सॉन्ग को सुना ही होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जरा सभी स्किप ना करें। दोस्तों, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वन बाई वन करके एक फिंगर में आपको पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा, ताकि आप इजी वे में कीबोर्ड सीख सकें। दोस्तों, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दीजिएगा गाइस, क्योंकि हम पियानो ट्यूटोरियल, पियानो सिखाने से रिलेटेड वीडियोस डेली इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट।
ट्यूटोरियल की ओर। ध्यान से देखिएगा मेरे फिंगर को, एक एक करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वन फिंगर में आपको बताऊंगा, आप एक एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा कुछ कुछ जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसको, ठीक है? तो वो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस टाइप का म्यूजिक प्ले होता है चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है ये सॉन्ग, आप एक बार देखते ही सीख जाएंगे आप दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहले जो है इसमें प्ले होता है हमारा लीड प्ले होता है। तो वो बजता कैसे चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और आपको मजा आ जाएगा, है ना? ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह का प्ले होता है शुरू में, देखिएगा यहाँ पे इस टाइप का प्ले करना है आपको। फिर देखिए तो बजाइएगा कैसे चलिए देखते हैं इसको ध्यान से। इसको एक बार प्रेस करिएगा, इसको 1 2 1 2 करके देखिए, फिर इसको 1 2 3 आगे बढ़ेंगे, है ना? इसमें देखिए, फिर ठीक है, बहुत मजेदार होने वाला है आज के वीडियो। और जैसे ये कंप्लीट किया आपने, इसके जस्ट बाद में आपको प्ले करना है गाइस। इसके जस्ट बाद में आपका कौन सा म्यूजिक प्ले होता है चलिए मैं आपको बता दूं। इसमें है, इसके जस्ट बाद में म्यूजिक जो है वो सिंथ लीड का एक टोन इसमें प्ले हुआ है, वो कुछ इस तरह का प्ले होता है। देखिएगा यहाँ पे 1 2 एंड 3, यहाँ आपको फिंगर रख लेना है गाइस। उसके बाद में प्ले कैसे करना है चलिए देखते हैं। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? जैसे एक एक लाइन हम सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरा का पूरा सॉन्ग आपको याद होते रहेगा, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो देखिए इसको बजाना कैसे है, मैं जो स्टेप प्ले करके दिखाया इसको आप बजाएंगे कैसे अपने कीबोर्ड में। तो वन फिंगर में चले देखते हैं। देखिए यहाँ से लेना है आपको फर्स्ट फिंगर, यहाँ रखना है आपको जी नोट में रखना है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3 देखिए कैसे बज रही है। यहां से देखिए, यहां से यहां जंप कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स? यहां तक क्लियर है? देखिए यहां पे ठीक है, यहां तक हो गया। फिर देखिए, यहां रुकना है एक बार, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां जाके रुक रहा है। उसके बाद आपको प्ले करना है, देखिए ये वाला लाइन प्ले होता है, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक म्यूजिक हम सीखते आगे बढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि म्यूजिक लाइन हर कोई प्ले नहीं कर पाता फ्रेंड्स। लाइन जो सॉन्ग का जो लाइन है वो लगभग जो भी है कीबोर्ड शुरू जो नए सीख रहे हैं वो निकाल लेते हैं, लेकिन म्यूजिक पार्ट निकालने में थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट मोमेंट में प्ले हुआ रहता है तो समझ में नहीं आता है। लेकिन उसको आप टुकड़े टुकड़े करके सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटा छोटा पार्ट में आप डिवाइड करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए तो ज़्यादा ये अच्छा रहेगा, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। जैसे हमने प्ले किया इसमें 1 2 3, 3 3 बार करके, तीन तीन बार करके आपको पीछे की ओर आना है। देखिए ठीक है, बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट जैसे हुआ, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट में आपने स्टेप का प्ले किया था इसको यहाँ पे प्ले नहीं करना है, ठीक है दोस्तों? इसमें प्ले होगा कुछ इस तरीके का म्यूजिक,
ठीक है दोस्तों। गाइस वैसे आपका स्टार्ट होगा एक लाइन, उसको प्ले कैसे करना है चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे फिंगर को, ठीक है। इसके जस्ट बाद में देखिए, इसके बाद में आपका ब्रास का जो कटिंग है वो प्ले होगा। देखिए इस टाइप का प्ले होता है, देखिए इस टाइप से भी आप प्ले कर सकते हैं। देखिए ऐसे आपको सेम प्ले करना है। इसके बाद में आपका सॉन्ग शुरू होता है, पैसा ना कौड़ी लाइन जो आपने सुना होगा। पहले ये लाइन सीख लेते हैं तो कैसे बजाए, देखिए यहां से पैसा ना कौड़ी, यहां रुकता है, फिर ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर है, फिर इतना होने के बाद में कैमरामैन इस टाइप का ब्रश का कटिंग देना है। देखिए इसमें कैसे प्ले हो रहा है, कैमरामैन फिर ब्रश कैमरामैन, एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे जा रहा है, स्लो थोड़ा सा हुआ मतलब समझ लीजिए पीछे जा रहा है, और हाई गया मतलब आगे, मतलब आगे नोट को आपको टच करना है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, फिर इसके बाद में हम सीखेंगे देखिए कैसे, फिर कैमरामैन फोकस करो ये वाला, फिर देखिए गाइस और एक बार देखिए यहां पे, यहां तक क्लियर हो गया आपका। फिर इसके बाद में डिस्टॉर्शन, एक डिस्टेंट का एक टोन प्ले होता है इसमें, देखिए ये वाला आपको प्ले करना है, आपको रियल बजाना है, लाइव परफॉर्मेंस में प्ले करना है, तो ये सब पीस आपको सीखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। विदाउट पीस आपको मजा नहीं आएगा प्ले करने में। बहुत सारे कीबोर्डिस्ट और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है प्ले करते हुए कि जब रियल प्ले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है फ्रेंड्स, और आप इस टाइप का पीस याद नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है ना। तो अच्छे अच्छे म्यूज़िक का पीस आप याद करिए ताकि लाइव परफॉर्मेंस में जब भी आप प्ले करें तो चार चांद लग जाए, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम डिस्टॉर्शन के टोन की ओर, और इसको प्ले कैसे करना चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिर यहां तक आपने प्ले कर लिया जस्ट, और इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है कैसे प्ले करना है चलिए देखते हैं। ठीक है हम देखिए, फिर इस टाइप का बजेगा, फिर ये जैसे प्ले हो गया आपका,
यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कंप्लीट। फिर इसके जस्ट बाद में आपको प्ले करना है नेक्स्ट लाइन और बजाना कैसे, चलिए देखते हैं। फिर दो दो बार, फिर वही इसके जस्ट बाद में कटिंग ब्रास का, फिर इसके नेक्स्ट लाइन, ये लाइन कैसे मूड खराब है वाला लाइन, फिर कटिंग। कैमरामैन फोकस कर छड़ी को, जो छड़ी धोखा देगी 25 तारीख को। इस टाइप से सॉन्ग प्ले होगा और जो नेक्स्ट लाइन है वो इसी लाइन के अंतर्गत आता है, सेम ऐसी प्ले होगा, इसीलिए मैं आगे का कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम है जो फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन। और म्यूज़िक पार्ट तो जैसा कि आपको पता है, जो म्यूज़िक आपको मैंने बताया है वही म्यूज़िक इसके जस्ट बाद में अप्लाई होंगे। देखिए फिर वही म्यूज़िक, से प्ले होगा दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना आप सीख गए तो समझिए पूरा सॉन्ग आप सीख गए, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें वीडियो, और सब्सक्राइब बेल बटन दबा दें क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा वीडियो, ठीक है दोस्तों, है ना। और जैसे कि किसी भी भाई को बेसिक सीखना हो, कोड से रिलेटेड, कोड प्रोग्रेशन सीखना हो, कोड फैमिली के बारे में, स्केल कैसे बनता है, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। 3 मंथ्स का ये रहता है फ्रेंड्स, उसमें आपका सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपको, है ना। और नागपुरी अगर स्पेशली सीखना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।